मध्य प्रदेश में बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों के स्टैंड से बसें नहीं चल रही हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। ड्राइवरों ने चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। वो हिट एंड रन मामले में लागू नए कानून का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए बस नहीं चल रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है हिट एंड रन मामले में। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स ने भी रात 2 बजे से ट्रक खड़े कर दिए हैं। हड़ताल ट्रांसपोर्टरों ने नहीं बल्कि सिर्फ ड्राइवर्स ने की है। अभी इसमें चार्टर्ड और अन्य ड्राइवर्स शामिल नहीं हुए हैं। भोपाल से सागर के बीच बस चलाने वाले ड्राइवर हेमराज कुशवाहा ने कहा कि मैं इस कानून की निंदा करता हूं, साथियों से कहना चाहता हूं कि वो भी इसका विरोध करें। मैंने बस ISBT पर खड़ी कर दी है। सभी बस वालों ने यहां बसें खड़ी की हैं। नादरा बस स्टैंड के भी यही हाल है। सोमवार को कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। हम 10 साल की सजा नहीं भुगत सकते और न ही 7 लाख रुपए जुर्माना भर सकते हैं। ट्रक ड्राइवर मोर सिंह ने कहा कि नए कानून के विरोध में ट्रक खड़ा करने जा रहा हूं। सभी ड्राइवर यही कह रहे हैं, हम वैसे भी 10-12 हजार रुपए महीने कमाते हैं। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो अब कोई दूसरा काम करेंगे, क्योंकि बच्चों का पेट पालना ही है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतार, टैंकरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर ईंधन की किल्लत शुरू हो गई है। जैसे ही इसका पता लोगों को लगा, वो पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। ऐसे में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई नए साल पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। ऑल मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली के चेयरमैन CL मुकाती ने बताया कि इस मामले को लेकर कई स्थानों से सूचनाएं आ रही है कि ट्रक ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां छोड़कर जा रहे हैं। हमने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। इसमें कानून वापस लेने के लिए पुनर्विचार करने की बात लिखी है। अगर सरकार कानून वापस लेने से मना करती है तो हम सब मिलकर आंदोलन के साथ चक्का जाम करेंगे। 2 जनवरी को होगी बैठक। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि हम 2 जनवरी को देश भर के ट्रांसपोर्टर्स की बैठक करने वाले हैं। इसमें आगे के निर्णय लिए जाएंगे। इस नियम के आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। अमृतलाल मदान ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इसके पीछे सरकार का मकसद भी अच्छा है, लेकिन जो कानून प्रस्तावित है उसमें कई सारी खामियां हैं। इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। चालक परिचालक संघ ने किया नए कानून का विरोध। दमोह में नए कानून के विरोध में चालक परिचालक के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नया साल है, तेज ठंड भी है। कई मुसाफिर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां आकर पता चला कि आज बसें नहीं चल रही है। लोग अन्य साधनों का इंतजार कर रहे हैं। हड़ताल पर एक नज़र। मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक बस एवं ट्रक चलते हैं। 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें ड्राइवर क्लीनर के अलावा अन्य लोग शामिल हैं। वहीं यही संख्या भोपाल और इंदौर में 60 हजार से अधिक है। मध्य प्रदेश में बस ट्रकों की हड़ताल यात्रा करने से बचें। ड्राइवर ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में खड़ी की बसें, ट्रकों को भी के भी पहिए थम गए हैं। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर आपको कहीं जाना है तो बस मालिकों ने हड़ताल नहीं किया, बल्कि ड्राइवरों ने हिट एंड रन पर जो नया कानून राज्य ने बनाया है, नया कानून जो लागू किया है, उसका जो है ड्राइवर विरोध कर रहे हैं और इसीलिए बस वो खड़ी करके कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति है, तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा से बचें, खास तौर से बस में यात्रा से बचें। अगर आपके पास अपनी गाड़ियां हैं, चाहे अपनी गाड़ी है, तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी या फिर प्राइवेट बस में आपको सफ़र करना है तो कहीं ना कहीं आप उससे पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि ठंड है
और आपको देर से बस मिलेगी और नहीं भी मिल सकती है, तो आपको जहां तक पहुंचना है आपको मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी होगी। लिहाजा अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप अपनी यात्रा को टाल दीजिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।